रोमन स्टूडेंट्स आई एम ट्वेल्थ क्लास में अपना नाइन चैप्टर फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर आप लेवल में ही पढ़ चुके हो। देर हम सब तरफ पढ़ देख सकते हो। फर्स्ट पाइपर टू नेक्स्ट है जो सारी सारी आपकी किस पर है कंटिन्यूटी के बेस पर है आपके पास। बाकी उसके बाद जितने बजे आपके पास फाइव सिक्स एक्सरसाइज और आती है इसके अंदर तो सारी किसकी आपके पास डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की है। तो मैं देखो फंक्शन आपका कंटिन्यूस कब होता है। देखो फंक्शन भी आप ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुके हो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है ये से मैं डेफिनेशन लिखी है ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बस आपका एक जनरल आइडिया आपको समझने के लिए। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा सिंगल अनब्रोकन कर्व। जैसे आपके पास या पास इसमें कोई भी कर्व आपका सिंगल कर्व है और अनब्रोकन कर्व मतलब आपके हमेशा तक स्ट्रेट होगी नहीं कर्व आपके ऊपर नीचे कहीं आपका स्ट्रेस होगी लेकिन अनब्रोकन होगी कहीं भी पार्ट आपका ब्रेक नहीं होगा। मान लो आपका यहाँ पे पार्ट ब्रेक हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कहीं कर्व कंटिन्यू रही तो बीच में गैप आ गया तो यहाँ से यहाँ कंटिन्यू रही तो उस केस में पूरी जो कर्व है ये कंटिन्यू आपके पास नहीं रहेगी। और कई बार क्या होगा फंक्शन में ये भी जरूरी नहीं कि पूरी कर्व आपके पास कंटिन्यूस हो उसमें से कुछ पार्ट भी आपका कंटिन्यू हो सकता है। जैसे कि ये वाला पार्ट मान लो यहाँ पर मैंने एक्स मेरी कोई माइनस थ्री मान ली यहाँ पर मैंने एक्स मेरी मान ली टू तो ये जो कर्व है माइनस थ्री से टू तक क्या है आपके पास कंटिन्यू ब्रेक तो नहीं हो रही। और देन उसके बाद यहाँ मान लो नंबर थ्री से स्टार्ट हो रहा है थ्री से फाइव पर जा रही है तो उसके यहाँ से कंटिन्यू है। तो इतना याद रखना कि फंक्शन कंटिन्यू होने के लिए क्या होना चाहिए जो भी कर्व है ये आपके पास नंबर्स के आपके पास इंटरवल्स आपको जैसे मिलेंगे जैसे आपको ये इंटरवल हो गया मुझे पता है कि एक इंटरवल है माइनस थ्री और टू के बीच में क्या आपके पास कंटिन्यू है। तो आपके पास होगा क्या कि ऐसा फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा यदि उसका ग्राफ सिंगल अनब्रोकन कर्व का होगा और वो किसी ना किसी इंटरवल पर आपका कंटिन्यू जरूर होगा। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंटिन्यू होते ही नहीं है वो भी क्वेश्चन आप करोगे। और फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए तीन कंडीशंस होती हैं तीन कंडीशन है वो पहली कंडीशन फंक्शन एक्स की जिस भी वैल्यू पर डिफाइंड है ए मैंने कोई भी रियल नंबर मान लिया वो आपका प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है यदि एक्स की उस वैल्यू पर मैं जब फंक्शन में रखूंगा मान लो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास फोर एक्स प्लस टू ये कोई फंक्शन है अगर मैंने x की जगह पर ये a वैल्यू रखी a मतलब कोई भी नंबर रखा तो अगर मैं a ही रखता हूँ तो f ऑफ a कितना बनेगा 4a प्लस 2। अब a मैंने कहा था कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो प्लस माइनस कुछ भी हो यदि वो वैल्यू रखता हूँ तो कंप्लीट वैल्यू करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए आपके पास रियल होनी चाहिए। रियल नंबर्स मतलब 10th क्लास से 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो रियल नंबर्स में सारे आपके p / q फॉर्म के रैशनल इरेशनल आपके नेचुरल होल नंबर्स इंटीरियर प्लस माइनस सारा के क्या होने चाहिए रियल। रियल से दूसरा प्राप्त होता है इमेज गणित दोनों में डिफरेंस क्या है हमें पता है कि इसमें किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर होगा रियल में हमेशा किसका एक साइन प्लस का आएगा। और इमेज गणित आपने लेवल पर पढ़ा था इमेज को हम आई से नोट करते हैं यदि इसका स्क्वायर ले रहा हूँ तो क्या आता है माइनस का वन तो वैल्यू इसकी आती है नेगेटिव आती है ये आपका मेजर डिफरेंस होता है रैशनल और इरेशनल में सॉरी रियल और इमेजिनरी में। तो आपके पास फंक्शन की मैं जब भी वैल्यू रखूंगा मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए रियल आनी चाहिए वो इमेजिनरी नहीं बननी चाहिए पहले कंडीशन तो होगी ही। दूसरा जो भी एक्स की जो लिमिट होगी बोला जाएगा कि एक्स की इस लिमिट पर एक्स वैल्यू टू लिमिट पर माइनस वन पर जीरो पर किसी पर भी वो ही आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब मान मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई वन अपॉन एक्स माइनस फाइव और आपसे कहा जाए कि एक्स इक्वल टू फाइव पर इसकी लिमिट देखो यदि मैं जब इसकी लिमिट निकालूंगा एक्स टेंड्स टू फाइव तो जब रखोगे वैल्यू क्या बनेगा तो रखन जीरो क्या होता है नॉट डिफाइंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी फाइनाइट आनी चाहिए वो इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए। और तीसरी कंडीशन यदि ये फिर दोनों बराबर हो जाए
कि लिमिट की वैल्यू इक्वल हो जाए फंक्शन की वैल्यू के, मतलब कि इसके बराबर। इसको अगर मैं लिखूंगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू के पर। यदि ये दोनों बराबर ही हो जाए तो मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। क्लियर? तीन कंडीशन, फंक्शन की जो वैल्यू एक्स इक्वल टू ए जो भी नंबर होगा उस पर आपकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, सेम लिमिट पर वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए और दोनों वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए। यदि इक्वल नहीं है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर? तो इसी के बेस पर आपका कुछ आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है 5.1 में वो आपकी इसी के बेस पर है। कई कंडीशन टेबल में होता है कि फंक्शन की जो वैल्यू होती है वैल्यू आपके पास एक्स की किसी नंबर लेस देन पर और ग्रेटर अलग अलग नंबर पर डिफाइंड होती है, कि उस नंबर से लेस पर अगर फंक्शन क्या है ग्रेटर पर कुछ अलग है तो उस केस में फंक्शन लिमिट आपका कंटिन्यू कब होगा उसमें क्या निकालते हैं LHL, RHL और फंक्शन वैल्यू उसी नंबर पर, वहाँ पर ये तीनों इक्वल देखी जाती है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको कराऊंगा बाद में। पहले इस कंसेप्ट पर आपके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका प्रूव करना है कि फंक्शन जो एफ एक्स 5x माइनस 3 कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू माइनस 3 पर और x इक्वल टू 5 पर। तो मैंने सबसे पहले आपको फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले आप इसे नोट कर लोगे 5x माइनस 3, हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है माइनस 3 पर, तो आप उसे लिखो एट एक्स इक्वल टू माइनस 3। हमें सबसे पहले वो हमें मेरा पता था कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू यदि आपके पास सेम आती है तो फंक्शन आपका होता है कंटिन्यूस। तो पहले मैं लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3 फंक्शन, फंक्शन आप रखोगे 5x माइनस 3, इसमें x की लिमिट कितनी रखोगे 3। जब भी आप x की लिमिट पुट करोगे तो लिमिट वाला पोर्शन आप नहीं लिखोगे, ये लिमिट तब तक लिखना जब तक आप x की लिमिट पुट नहीं कर देते हो। जब मैं x में 3 पुट कर दूंगा, सॉरी माइनस 3 पुट कर दूंगा तो मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा, लिमिट बंद कर दूंगा तो सीधा 5 को रेटिंग टाइम है x की लिमिट माइनस 3 और देन माइनस में 3। पहले फॉर्मूला फॉर्मूले अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगी 5 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 15, उसमें माइनस 3 लोगे तो माइनस माइनस फिर ऐड हो जाएंगे और साइन आपका माइनस का, तो वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी माइनस की 18। नेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू माइनस 3 पर करना क्या, बस x को रिप्लेस कर दो माइनस 3 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू माइनस 3 और माइनस में 3। सेम आपका पहले मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 15, उसमें माइनस 3 किया तो माइनस का 18। देखो दोनों वैल्यू आपके पास सेम आ रही है तो दोनों को इक्वल लिखोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूस। यदि दोनों वैल्यू डिफरेंट आती क्या प्लस साइन आपका लगा दोनों में से तब भी आपका नॉट इक्वल तो फंक्शन आपका नॉट कंटिन्यूस। सेम आप x इक्वल टू चाहो तो 5 पर चेक कर सकते हो, मैं इसी क्वेश्चन कर देता हूँ कि x इक्वल टू 5 पर जाओ लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू 5 इसी तरह लिखोगे, फिर x की लिमिट अगर 5 पुट करोगे तो आपको अगर 5 5 25 और माइनस 3 कितना आएगा 22। सेम फंक्शन की वैल्यू 5 पर निकालोगे तो x की वैल्यू 5 पर कर दो 5 * 5 आएगा और देन माइनस 3, 5 * 5 कितना होता आपका 25 और माइनस 3 कर लोगे कितना आएगा 22। दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो इक्वल लिखोगे दोनों को लिमिट फंक्शन की वैल्यू को तो फंक्शन वो भी क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। तो इन दोनों केस में x इक्वल टू माइनस 3 पर भी और x इक्वल टू 5 पर भी फंक्शन मेरा क्या निकल के आ रहा है कंटिन्यूअस। इसका सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना, मैं थर्ड के लिए आपको एक पार्ट कर देता हूँ। थर्ड में कंटिन्यूटी चेक करनी है लेकिन आपको ये गिवन नहीं है कि मुझे किस नंबर पर करनी है, x की किस वैल्यू पर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी x की वैल्यू एक रैंडम वेरिएबल a मान लेना, b मान लेना, k मान लेना, x के अलावा कुछ भी मान लेना, फंक्शन लिखोगी और x इक्वल टू कोई भी a हमने मान लिया, कोई भी आपके रियल नंबर है, रियल कांस्टेंट है आपके पास, तो मैं x इक्वल टू a पर सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं लिमिट, कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन और फंक्शन की जगह आ जाएगा x माइनस 5, इसमें मुझे x की लिमिट कितनी पुट कर देंगे a, तो x की जगह पे a पुट कर दो, लिमिट नहीं लिखोगे x के पर तो सीधा कितना आ जाएगा a माइनस
5, ऐसे ही x की वैल्यू a पुट कर दो फंक्शन के अंदर, तो जहां कहीं भी x है a पुट कर दो, तो f a क्या बनेगा, a माइनस 5, ये लिखा है, दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, सेम है, तो लिमिट फंक्शन वैल्यू इक्वल, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। इसका मतलब कि किसी भी नंबर पर, चाहे 1 पर चेक कर लो, 2 पर कर लो, 0 पर कर लो, माइनस 3 पर कर लो, हर एक केस में फंक्शन क्या होगा आपका, एक कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। थर्ड पार्ट है लेते हैं कि फंक्शन आपका x के माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, जब ये फंक्शन आपको दे रखा है तो फंक्शन को जितना सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर लेना। जैसे मुझे पता है 25 5 का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, वो क्या होती थी, a बार a और b प्लस में इनटू में a बार a और b माइनस में, तो सेम यहां पे x और प्लस आपके 5 होंगे और x माइनस 5 होंगे, ये जो x और 5 एक बार प्लस और एक बार माइनस इनकी मल्टीप्लाई, नीचे x प्लस 5 कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ क्या बचेगा x माइनस 5। अब इसे हम लिमिट लगाएंगे, मुझे नहीं पता किस नंबर पर लेनी है, तो मैं क्या लेता हूं x की वैल्यू कोई भी a नंबर ले लिया, क्योंकि आपका रियल नंबर। जब लिमिट लगाओगे सबसे पहले कि x टेंड्स टू a, लिमिट फंक्शन, फंक्शन की जगह पर आपका आ जाएगा x माइनस 5, उसमें x की लिमिट पुट कर देना a, तो बन जाएगा a माइनस 5। सेम फंक्शन की वैल्यू a पर, तो x की वैल्यू a पुट कर दोगे तो कितना बन जाएगा a माइनस 5, ये भी आपका सेम वैल्यू बन रही है, दोनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा आपका, ये कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। तो जितने भी आपको इस तरह के फंक्शंस आपको दे रखे हो, x की किसी वैल्यू पर बोला जाए तो उसी पर चेक करो, नहीं दिया जाता तो x की वैल्यू कोई भी अपनी तरफ से a बी सी कोई भी रियल नंबर मानकर वहां पर आप चेक करके बता सकते हो कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर आई तो आपका कंटिन्यूअस, अगर बराबर नहीं आती है तो आपका डिसकंटिन्यूअस, मतलब नॉट कंटिन्यूअस। तो आपके जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस है वो सारे आप ट्राई करोगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको आता है जिसमें आपका फंक्शंस की वैल्यू आपको लेस देन और ग्रेटर देन पे अलग-अलग गिवन होती है, कि लेस देन पॉइंट होती है नंबर पर कुछ अलग फंक्शन है और ग्रेटर पे कुछ और है, तो उस केस में आपको पता कि LHL RHL से हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, तो वो मैं आपको मैं कराऊंगा। जैसे नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, फंक्शन आपको दिया हुआ है मोड ऑफ x माइनस 5, तो जितने भी आपके मोड वाले क्वेश्चंस हैं तो हमें पता है कि मोड की दो वैल्यू होती है, एक मोड वैल्यू होती है एज इट और एक होती है माइनस 10। एज इट मोड की वैल्यू कब होती है, जब मोड के अंदर वाला फंक्शन 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ये वैल्यू एज इट जाएगी जब x माइनस 5 0 या 0 से ग्रेटर होगा, और यही वैल्यू माइनस 10 होगी यदि मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 से लेस होगी। क्लियर है कि जब भी मोड वाला क्वेश्चन आपको गिवन हो तो मोड की दोनों वैल्यू अपनी ब्रेक कर लेना, एक एजिटिव तो मोड वाली वैल्यू को 0 0 से बड़ा रख लेना और माइनस 10 उस केस में लेस रख लेना 0 से। अब यदि मैं यहां से माइनस 5 हटाने के लिए प्लस 5 दोनों तरफ कर दूं तो यहां से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू इधर तक 5 ऐड होगा तो कितना बनेगा 5, तो इस तरह आपको बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेम आप इसमें दोनों तरफ 5 ऐड कर लो तो क्या बनेगा x लेस देन 5। मैंने इसमें इसको तो लिखा एडिटिव, तो इसमें माइनस के दोनों ले जाऊंगा तो माइनस 10 x और प्लस के 5। अब इसमें आपको एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया कि मुझे किस नंबर पर चेक करना है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे सभी वैल्यू पे चेक करना है। मैं पहले आपको 5 भी करा देता हूँ, आप तो चेक करोगे 5 से लेस वाले वैल्यू पर करोगे और 5 से ग्रेटर वाले वैल्यू पर करोगे। अगर मैं 5 पर करता हूँ तो मेरे पास 5 के लिए फंक्शन ग्रेटर वाला भी है कि x वैल्यू 5 से बड़ी है और एक 5 से लेस वाला फंक्शन भी गिवन है मेरे पास, तो हम इसमें क्या लगाएंगे LHL और RHL। समझने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा दो, जब भी आप नंबर आप लिखते हो 0 इधर आपके पास माइनस वैल्यू इधर आपके पास प्लस वैल्यू, तो इसमें आपका लेफ्ट कौन सा आपका ये वाला पार्ट, तो लेफ्ट आपको हमेशा क्या होता है माइनस वाली वैल्यू जो होती है, तो मैं क्या करूँ हमेशा मैं जिस भी नंबर पर चेक करूंगा उसका क्या लूंगा माइनस 10 वही फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा लेना है, 5 माइनस का मतलब 5 से लेस या ग्रेटर, माइनस का मतलब कम ही होता ना, तो इसका मतलब कि वो फंक्शन जो 5 से छोटा होगा, तो मुझे पता 5 से लेस वाला फंक्शन कौन सा मेरे पास
माइनस टाइम एक्स प्लस फाइव उसे रख लोगे आप। नेक्स्ट हमेशा x की जो लिमिट है उसको किसमें चेंज करोगे, h टेंड्स टू 0, तो जो भी x की लिमिट है उसको h में चेंज कर दो, और जब h टेंड्स टू 0 में रखोगे तो x की वैल्यू पुट होगी h की फॉर्म में, वो क्या होगी 5 माइनस उसमें लिख दो h, 5 माइनस h इस x की जगह पे माइनस 12 वाला एडिटिव x की वैल्यू में लगती 5 माइनस में h और देन प्लस में 5, माइनस में जाओ तो माइनस का 5 और प्लस का एच आ जाएगा, फिर प्लस माइनस के 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा एच, एच की लिमिट 0 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट क्या होगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 राइट वाले तरफ क्या होती है प्लस में होती है पॉजिटिव, तो 5 प्लस लेके चलोगे और फंक्शन कौन सा रखोगे 5 प्लस का मतलब 5 से ग्रेटर वाला, और 5 से ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा मेरा x माइनस 5 उसे देखोगे, x की लिमिट चेंज करोगे h टेंड्स टू 0, जब h टेंड्स टू 0 में रखोगे तो x की वैल्यू पुट क्या होगी, तो यहां पर मैंने 5 माइनस में चलाया था तो यहां पर क्या रखेंगे 5 प्लस में h, लेफ्ट में हमेशा माइनस h टाइम इसमें प्लस h, बस ये जो नंबर है 5 2 3 ये चेंज हो सकता है, तो मैं x की जगह पे लिखूंगा 5 प्लस h और माइनस का 5 एडिटिंग प्लस माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा h, h की लिमिट 0 पुट कर दो क्या हो गया 0। फंक्शन की वैल्यू जब LHR RHR बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन वैल्यू उसी नंबर को में ये भी निकालना होता है, तो x की वैल्यू 5 कौन से फंक्शन में रखी जाएगी इक्वल वाले में, और इक्वल वाला कौन सा मिला ऊपर वाला पार्ट है, तो इसमें x की वैल्यू 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। चेक करो LHR RHR फंक्शन की वैल्यू सेम है या नहीं, तो वैसे तीनों वैल्यू क्या सेम आ रही है तो फंक्शन क्या हो गया मेरा कंटीन्यूअस। इसमें दो केस बना पता था कि फंक्शन वैल्यू आपके पास लेस है कम, अगर मैं 5 से लेस कोई नंबर a मान लेता हूं तो लेस वाला फंक्शन कौन सा मेरा ये रहेगा, तो इसी में मैंने लिमिट लगा हुआ और इसी में फंक्शन की वैल्यू, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि लेस देन 5 पर सिर्फ a ही फंक्शन है आपके पास, एक से ज्यादा फंक्शन नहीं है, तो इसी में तो लगेगी लिमिट और इसी में लगेगी फंक्शन की वैल्यू, यदि वो दोनों बराबर आए तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस और डिफरेंट आए तो डिसकंटिन्यूअस। सेम तीसरा केस, जो वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो ग्रेटर कोई भी अपना कांस्टेंट भी मान लेना, तो ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा होगा x माइनस 5, इसी में लगेगी लिमिट और इसी में लगेगी फंक्शन की वैल्यू, इसमें LHR RHR नहीं लगेगा क्योंकि 5 से ग्रेटर वाला फंक्शन सिर्फ आपके पास एक है, आपके पास कोई अलग तो फंक्शन है नहीं, तो उसी में आपका लिमिट उसी में आपके फंक्शन की वैल्यू, वहां से आपने चेक कर लिया कि आपका कंटिन्यूअस है या नहीं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है जी, फोर्थ ट्राई कर लेना हमें, फंक्शन की वैल्यू दो दे रखी है x, जब x की वैल्यू 1 1 से बड़ी होगी फिर छोटी होगी, और 5 जब x 1 से वैल्यू बड़ी होगी, तो देखो 1 के लिए ग्रेटर वाला फंक्शन भी है आपके पास लेस वाला फंक्शन भी है, तो मैं क्या लगाऊंगा LHR और RHR, LHR में लिमिट x टेंड्स टू सबसे पहले क्या लिखोगे जिस नंबर पर चेक कर रहे हो उसका माइनस, ताकि 1 माइनस, और 1 माइनस का मतलब फंक्शन कौन सा आएगा 1 से छोटा वाला, और 1 से लेस वाला फंक्शन कौन सा आएगा x है, तो fx से जब आपका आ गया फंक्शन x, लिमिट को h टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या की जाएगी 1 माइनस h, x इक्वल 1 माइनस h, कोई चीज नहीं करती इसमें कुछ भी, तो नेक्स्ट उसमें h की लिमिट पुट कर दो 0, तो 1 माइनस 0 क्या बन गया 1, क्लियर। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x x 1 प्लस और फंक्शन, फंक्शन कौन सा रखा जाएगा 1 प्लस का मतलब 1 से ग्रेटर वाला, और 1 से ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा आ गया 5, तो वैल्यू 5 आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या रखी जाएगी 1 प्लस h, इसमें कहीं x है नहीं, अगर होता तो मैं लिखता 1 प्लस h, तो 5 आएगा एडिटिंग, इसमें h की लिमिट 0 पुट करूंगा h इसमें है नहीं तो 0 आएगा कहां, तो 5 का सीधा कितना आ जाएगा 5, और अब देखो LHR आ रहा 1 RHR आ रहा 1, क्या दोनों वैल्यू सेम है, यदि सेम आते हैं तो मैं फंक्शन की वैल्यू ये वाला भी निकालूंगा, अब यदि ये बराबर ही नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू आप निकालूंगा तो उसका कोई काम ही नहीं कर दो, चाहे तो निकाले ना लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, जब LHR RHR ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस
नहीं हुआ, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर? तो इसके जैसे जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, लिमिट फंक्शन वाले या LHL RHL वाले, जितने क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो आप कर लेना। बाकी नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा, वहां से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना।